हॉफमैन वर्सेस वर्सेस सेडजेफ एलिमिनेशन, दोनों में क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है और क्या सिमिलैरिटीज है, उन सबको अपन को देखना है. तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखने जैसा पॉइंट ऑफ डिफरेंस रहेगा दोनों में वो क्या रहेगा बताएं. हॉफमैन एलिमिनेशन कब करना है, जब एक बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप है और बेस जो आ रहा है वो बहुत बल्की बेस है. बेस जो आ रहा है वो कैसा रहेगा, बल्की बेस रहेगा. ठीक है, पहले तो अपन एक शॉर्ट में समराइज करते हैं और फिर बाद में डिटेल में जाएंगे. चलो कोई बात नहीं है. फॉर्म्स लीस्ट स्टेबल एल्कीन, ये नोट करना आप लोग. सबसे पहले तो मैं डायरेक्ट कंक्लूजन के टाइप का बात कर रहा हूं कि पंच लाइन अपने को कौन सा याद रहना चाहिए. ये वाली पंच लाइन है भाई. आपको हॉफमैन बोला तो तुरंत आपको क्या याद आना चाहिए, लीस्ट स्टेबल एल्कीन. सेडजेफ बोला तो मोस्ट स्टेबल एल्कीन. से एग्जांपल लेते हैं. सपोज Even if, suppose this is the question. Even आपको ऐसा क्वेश्चन भी दे दिया, अब क्या करेंगे अपन बताओ. इस मोमेंट पे अभी अपन को क्या क्या करना चाहिए. अब ये जो नहीं, इवन सी भी नहीं है. इवन सी भी इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर अब जब ये कार्बन आयन बनाएगा ना, उसको स्टेबिलाइज करने वाला कोई सफिशिएंट स्टेबिलिटी देने वाला कंपाउंड नहीं है. दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ इवन सीबी. ठीक है ना, क्यों, बिकॉज देर इज नो ग्रुप ऑफ एटम विच इज गोइंग टू स्टेबिलाइज कार्बन आयन. ठीक है ना, सिर्फ पुअर लिविंग ग्रुप पड़ा हुआ है यहां पर. देर इज ओनली अ पुअर लिविंग ग्रुप हियर, बट नो वन इज देयर टू स्टेबिलाईज कार्बन. दैट इज वाई आप निकाल के देखो पिछले वाले क्वेश्चन, तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है ना, अब क्या करेंगे, यहां पर होगा हॉफमैन एलिमिनेशन. मतलब एलिमिनेशन नॉर्मल तरीके से करना है, बट इवन सीबी का एलिमिनेशन नहीं, हॉफमैन वाला. क्या रहता है फिर हॉफमैन एलिमिनेशन में, कुछ अलग होने वाला है क्या, देखो भाई आपको ही समझ जाएगा. अब यहां पर अगर आप थोड़ा सा सोचे तो हियर देर आर टू काइंड ऑफ वॉट वी कैन सी. यहां पर मैं क्या करता हूं, देखो अब देखो इस कंपाउंड को आप लोग समझ में आ जाएगा. दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा. बेस कब, हमेशा के लिए याद रखना है, बेस कभी भी कौन सा प्रोटॉन कैप्चर करने जाता है पता है, इट कैप्चर्स द बीटा प्रोटॉन. बेस कभी भी बीटा प्रोटॉन कैप्चर करता है. तो अब बेस के पास दो तरीके हैं, या तो बीटा वन कैप्चर करे या फिर बीटा टू कैप्चर करे. बीटा वन कैप्चर करे या फिर बीटा टू कैप्चर करे, कहां से करे अभी, वो कहां से करना चाहेगा. अब वो जब यहां पर पुअर लिविंग ग्रुप होगा, जबकि पुअर लिविंग ग्रुप है यहां पर, इसलिए वो बीटा वन कैप्चर करेगा. नाउ ये जो सी टू एच फाइव ओ माइनस बेस है ना, ये तो क्यों ये बेस है, अरे यहां से बन के आता है ना अल्कोहलिक के वे जब डालते हैं ना, तो ये बेस बनता है. ये कैप्चर करेगा ये वाला प्रोटॉन मेजरली, देन टू कैप्चर दिस प्रोटॉन, दिस इज माइनर. अब तो कंपाउंड कैसा बनना है पता है, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच. जब पहले ये प्रोटॉन कैप्चर कर, ये प्रोटॉन जाएगा और यहाँ का एफ जाएगा, साइमल्टेनियस प्रोसेस है. सी एच बॉन्ड ब्रेकेज, CHF CF bond breakage and C, यहां पर एक पाई बॉन्ड बनना.
तो ये सब कुछ साइमल्टेनियसली होना है. तो CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, CH3. दिस इज कॉल्ड एज हॉफमन एल्कीन. इसको अपन बोलते हैं क्या, हॉफमन एल्कीन. और ये क्या रहेगा, मेजर रहेगा प्लस. अब अगर सपोज मान लीजिए ये बीटा टू गया होता तो बीटा टू से प्रोडक्ट आपको मिलता है सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री. दिस इज कॉल्ड एज सेटजेफ एल्कीन. अब इस केस में क्योंकि पुअर लिविंग ग्रुप है पहले ये नोट कर लो. यहां पर आप डायरेक्टली पहले ही स्टेप में कार्बन एन नहीं बनाएंगे, यहां से सीधा पहले ही कार्बन एन नहीं बनाएंगे क्योंकि उसमें ना तो कोई रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल रहा है आपको, है ना, ना तो कोई इंडक्टिव इफेक्ट स्टेबिलिटी मिल रहा है. उस नेगेटिव चार्ज को कहीं पर लिया नहीं जा रहा, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव नहीं है. सी एफ थ्री अगर रहता तो बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिवली स्टेबिलाईज करता. तो डायरेक्टली पहले प्रोटॉन ही आएगी. दिस इज सर ये कौन सा कैटेगरी हो गया फिर? अरे ये एलिमिनेशन बायोमोलिकुलर ही समझ लो, इट इज ई टू ओनली. बट कौन सा, हॉफमन वाला, ठीक है ना, हॉफमन ई टू. हॉफमन ई टू कब करना है? वेन देर इज अ वेरी पुअर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट, और बल्कि बेस, दोनों में से कोई भी है. इफ ई टू के ही दो टाइप पड़े अपन ने, एलिमिनेशन बायोमोलिकुलर में ही हॉफमन हो सकता है या सिटजेब हो सकता है. इफ देयर इज गुड लिविंग ग्रुप, इफ देयर इज गुड लिविंग ग्रुप्स लाइक व्हाट, सीएल माइनस, बीआर माइनस, आई माइनस, OH2 plus protonated wala, then yahan par Sedzep elimination karenge. Par if poor living group, OH minus, ठीक है ना, या फिर और भी कुछ अगर पुअर लिविंग ग्रुप्स की बात करें तो डायमिथाइल सल्फाइड, ठीक है ना, इसके ऊपर प्लस दे के आपने छोड़ना चाहो उसको, वो नहीं जाएगा. या फिर एन एम ई थ्री प्लस, ये वाले कंपाउंड जो है सल्फर की लोन पेयर थ्रू बॉन्ड बनाया हुआ था. देन ठीक है, स्टेटमेंट आप लोग लिखे यहां पर, दैट इज जितना आपका बल्कियर द लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप जितना बल्की होते रहेगा, ठीक है ना, बल्कियर इज द लिविंग ग्रुप, इसका जो हॉफमन एल्कीन बनाने का परसेंटेज है ना, ठीक है ना, वो ज्यादा रहेगा. मोर विल बी परसेंटेज ऑफ हॉफमन एल्कीन.
ठीक है ना, ऑक्टेन एल्केन बनाने का परसेंटेज वहां पर ज्यादा रहेगा। अब ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में आता है देखो हॉफमन एलिमिनेशन ऑफ यहां पर डबल एन भी लिखते हैं, देखो डबल एन हॉफमन मतलब डबल एन लिखते हैं, हॉफमन्स एलिमिनेशन ऑफ क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट Hoffman's elimination of quaternary ammonium salt. ये हेडिंग है, तो सपोज अपने पास क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट है, उसको अपन बेस के साथ ट्रीट कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट, आपको एकदम बिगिनिंग के लेक्चर में बताया होगा जब अपन अमाइंस वगैरह नॉमेनक्लेचर में पढ़ रहे थे। सो सपोज अपने पास कुछ ऐसा कंपाउंड है दिया हुआ है, CH3 CH2 CH3 और यहां पर क्या लग गया है, ऐसा दिया हुआ है आपको, तो इस नाइट्रोजन के चार बॉन्ड बन गए तो प्लस तो आ ही गया ना, दैट इज क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट बेसिकली। तो तीन बार मिथाइल लगा और चौथी बार ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है उसको, और इसको अपन ने ट्रीट कर दिया OH माइनस और हीट में, इसको अपन ने ट्रीट कर दिया OH माइनस और हीट में, तो अब कौन सा कंपाउंड बनेगा ये पूछा जा रहा है, अब कौन सा कंपाउंड बनेगा है पूछा जा रहा है। क्या करेंगे इस केस में, अभी देखो क्या करेंगे इस केस में। नाउ इफ यू सी दिस, इफ यू ट्रीट दिस होल सेक्शन, इफ यू ट्रीट इट एज अ, ये जो पूरा सेक्शन है ना भाई, एक फंक्शनल ग्रुप की तरह फॉरेन एलिमेंट है मॉलिक्यूल के ऊपर, तो ये अल्फा बन जाएगा, इनफैक्ट बहुत सारे अल्फा है, ये सारे अल्फा हो जाएंगे, ठीक है। बट देयर इज नो बीटा इन दिस सर्कल, सर्कल के बाहर बीटा है, देखो ये बीटा वन बीटा टू, ये गेन आपको ये ढूंढने आना ही चाहिए, अल्फा बीटा एलिमिनेशन करने आना ही चाहिए, अपना जो एस एन टू रिएक्शन होता है वो अल्फा बीटा एलिमिनेशन, कोई भी एलिमिनेशन जो हो रहा है देखो अल्फा बीटा एलिमिनेशन से हो रहा है। व्हाट इज अल्फा, जिसको लिविंग ग्रुप जुड़ा है वो, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप या लिविंग ग्रुप माने आप उसको, बीटा क्या है उसके बाद से वाला कार्बन, तो बीटा प्रोटॉन पहले जाता है, ठीक है ना, जैसे E1 CV है तो पहले तो बीटा ही जा रहा था, देखो कार्बन आयन बन रहा था। चलो तो इसमें क्या करें अभी, ये OH माइनस, दिस OH माइनस शुड कैप्चर, कैन यू टेल मी बीटा वन को कैप्चर करे या बीटा टू को कैप्चर करे OH माइनस, लेट मी सी कितने लोग सही तरीके से आंसर कर पाते हैं। OH माइनस ने बीटा वन को कैप्चर करना चाहिए कि बीटा टू को, सब लोग सो गए क्या, प्लीज ट्राई टू आंसर, गलत हो गया तो चलेगा बट ट्राई टू आंसर, अब तक जो पढ़ रहे थे ना उसके बेसिस पे पूछ रहे अपन। अभी अभी ऊपर एक स्टेटमेंट लिखा, देखो कौन सा स्टेटमेंट लिखा, बल्कियर इज द लिविंग ग्रुप मोर विल बी परसेंटेज ऑफ हॉफमन एल्कीन, और इसके पहले वाले स्लाइड में मैंने बताया आपको हॉफमन एल्कीन मतलब लेस स्टेबल एल्कीन, अब आपको मतलब इसका फ्यूचर देखना है कि कहां से बीटा जाएगा तो कहां बॉन्ड आएगा और कौन सी एल्कीन बने। देखो भाई यहां से बीटा, ये बीटा वन चला गया, यस इट विल कैप्चर बीटा वन, व्हाई बिकॉज बीटा वन जाने से जो कार्बन आयन आएगा फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो ये ग्रुप जाएगा पूरा, ठीक है ना, ये ग्रुप चला जाएगा ना, NME3 चला जाएगा और आपको जो एल्कीन मिलेगी वो ऐसी दिखेगी CH3 CH2, मतलब इट इज E2 ओनली, ये एक E2 ही होने वाला है, बट कौन सा E2 होने वाला है, हॉफमन होने वाला है,
और ये वाई हॉफमन बल्कि लिविंग ग्रुप के कारण, बल्कि लिविंग ग्रुप है हॉफमन है तो लेस स्टेबल अल्किन बनाना है, लेस स्टेबल अल्किन बीटा वन से बनती है, बीटा टू से नहीं। वाई बीटा टू से नहीं, अरे यहां पर डबल बॉन्ड अगर आ गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों दिक्कत हो जाएगी? क्योंकि वो मोर स्टेबल अल्किन दिखेगा। ठीक है भाई, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू प्लस एन एम ई थ्री। डू यू गेट दिस पॉइंट? कितने लोगों को समझ रहा है? दिस इज हॉफमन, दिस इज कॉल्ड एज हॉफमन एलिमिनेशन, दिस इज कॉल्ड एज हॉफमन एलिमिनेशन। तो जब भी आपके पास ऐसा एक क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट आएगा, इट्स एन एग्जांपल ऑफ क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है ना? तो आपको अभी ये जो OH- दिया है ना, इस OH- के जगह आपको क्या लिख के देंगे पता है? मॉइस्ट Ag2O। क्या लिख के देंगे? मॉइस्ट Ag2O। बेसिकली मॉइस्ट Ag2O मतलब ही जो OH- बना देता है वो तुरंत, ठीक है ना? जब Ag2O को आप पानी में डालेंगे ना तो वो बनाएगा AgOH, ठीक है? और वो OH- यहाँ पर अटैक कर रहे, तो मॉइस्ट Ag2O लिखा है, हीट लिखा है। तो आपको बेसिकली हॉफमन एलिमिनेशन करना है किसका? उस क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट का। हॉफमन एलिमिनेशन कैसे करते हैं? उसका जो नाइट्रोजन है ना, उसके बाजू वाला कार्बन मतलब अल्फा, उसके बाजू वाला कार्बन मतलब बीटा, तो बीटा प्रोटॉन्स को हटाना है, या तो ये बीटा प्रोटॉन या फिर ये बीटा प्रोटॉन। मुझे हॉफमन एलिमिनेशन करना है, इसलिए मैं कौन सा प्रोटॉन उठाऊंगा जो लेस स्टेबल अल्किन प्रोवाइड करे। तो दिस इज मेजर, दैट वुड बी द मेजर। माइनर वाला कौन सा रहेगा? वो वाला दूसरा, यहाँ का बीटा टू का माइनर रहेगा, ठीक है? ये बीटा वन से बना हुआ मेजर है, ठीक है? चलो अभी एक क्वेश्चन देता हूं, देखता हूं मैं कैसा करते हैं आप लोग। ऐसा दे दिया आपको तो क्या करेंगे? व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोडक्ट बताओ, मेजर प्रोडक्ट का नाम बताओ, मेजर जो अल्किन बनेगी इसमें उसका नाम। अरे भाई आपको पता है ना कि सर एक सवाल दो बार नहीं पूछते हैं, सेम टाइप का सवाल, तो कुछ तो झोल होगा ही ना। देखो भाई यहाँ पर हमको क्या करना है, ये जो नाइट्रोजन है उसको डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन अल्फा होते हैं, अल्फा, उसके बाजू वाले बीटा होते हैं। अरे भाई इधर तो बीटा आ गया, बीटा वन, बीटा टू, बीटा थ्री। बीटा वन से अगर मैंने कंपाउंड बनाया अल्कीन, मतलब सीधा यहाँ का बॉन्ड तोड़ दिया, ऐसा ये ऐसा बॉन्ड तोड़ दिया, तो यहां पर आएगा ये इधर बॉन्ड तोड़ दिया, इधर प्लस आ गया, यहां से बीटा टू को उठाया तो माइनस आ गया, बीटा टू ने OH माइनस, यहां से क्या मिलेगा आपको? मॉइस्ट Ag2O में से OH माइनस आएगा, OH माइनस ने यहां से बीटा टू वाला प्रोटॉन उठाया, दिस इज CH2CH3, CH2CH3, CH3 में से एक प्रोटॉन अगर इसने उठा दिया, बीटा वन, बीटा वन को उठा दिया और ये चला गया, तो प्लस माइनस मिलके क्या बनाएंगे? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस प्लस एन एम ई टू और फिर ये एज इट इज। उसको एज इट इज रहने दो, पर डू यू अंडरस्टैंड दिस? दिस इज लीस्ट स्टेबल अल्किन। अरे सर ये तो भूल ही गए हम, है ना? देखना भूल ही गए ना कि यहाँ पर इथीन था,
यहाँ पर ब्यूट वन इन से भी देखो बीटा थ्री उठाने से अच्छा है बीटा वन उठाना, बट बीटा वन उठाने से भी अच्छा है, सॉरी बीटा थ्री से बीटा टू अच्छा है, बीटा टू से बीटा वन अच्छा है। क्यों? क्योंकि बीटा थ्री में ब्यूट टू इन मिल रहा है जिसमें छह अल्फा हाइड्रोजन है, बीटा टू उठाने से यहां से आपको ब्यूट वन इन मिल रहा है जिसमें दो अल्फा हाइड्रोजन है, बट अगर आपने बीटा वन उठा दिया ना तो वहां पर कोई अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, ये तो लीस्ट स्टेबल एल्किन हो गया ना। सर समझ गया। यस भाई चलो फिर से एक बार बताता हूं, डोंट वरी। मैं बोल रहा हूं ना इस चैप्टर में कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे हम। देखो भाई ये क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट है, ये कंपाउंड मतलब क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट है। यहां पर आपको क्या करना होता है, बेस जाकर के बीटा प्रोटॉन उठाता है, ठीक है ना। अच्छा बेस बीटा ढूंढेगा, बट वो वाला बीटा उठाएगा जहां से लीस्ट स्टेबल एल्कीन मिलेगी, क्योंकि हमको हॉफमर एल्कीन बनानी होती है। कब? जब बल्कियर लिविंग ग्रुप होता है। बल्कियर लिविंग ग्रुप कौन है? इधर ये NME3 वाला, या फिर यहाँ पर N के पास इतना सारा हो ना, तो ये बल्कि लिविंग ग्रुप बन गए। अब अपन को बीटा ढूंढना है। देखो ये बीटा वन, बीटा टू, बीटा थ्री। बीटा वन को उठाया तो यहां से बीटा वन गया, प्रोटॉन जा रहा है, प्रोटॉन गया तो CH2- बना होगा यहाँ पर ये ऐसा बना होगा CH2-, क्योंकि एक एच चला गया ना, और यहाँ पर ये बॉन्ड इधर टूट गया तो यहाँ पर बन गया CH2+। ये माइनस और प्लस मिलकर के क्या बनाए? इथीन बनाए। इथीन इज द लीस्ट स्टेबल अल्किन। मुझे तो हॉफमर अल्किन बनाना था जो कि लेस स्टेबल होता है, तो इथीन मिल रहा है ना, तो जब इथीन मिल रहा है बीटा वन से तो अब मैं बीटा टू के पास नहीं जाऊंगा। बीटा टू अगर निकालता तो मुझे ये ब्यूट वन ही मिलता है ना, उसके पास नहीं जाएंगे हम। क्यों? क्योंकि उससे भी लेस स्टेबल अल्किन इथीन है। सो हॉफमन एलिमिनेशन करने का मतलब ही क्या होता है? लीस्ट स्टेबल अल्किन बनाना। हॉफमन एलिमिनेशन का मतलब ही होता है लीस्ट स्टेबल अल्किन बनाना। तो ये लीस्ट स्टेबल अल्किन तो बीटा वन से ही मिल रहा है ना आपको। गोल एक ही है, देखो लीस्ट स्टेबल अल्किन ढूंढना, एक ही गोल है आपका, लीस्ट स्टेबल अल्किन ढूंढना। ये ऐसा कंपाउंड दिया था आपको, इसके ऊपर मैंने OH- माइनस का अटैक किया। OH- माइनस बीटा प्रोटॉन कैप्चर करेगा तो यहां का ये देखो समझ में आ रहा है आपको, ये ऐसा हो रहा है। अब अगर मैंने इस प्रोटॉन को उठाया, ये जाकर के यहां पर अटैक कर दिया और फिर ये मॉलिक्यूल इधर शिफ्ट हो गया, तो यहां से क्या मिला आपको? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस बचा हुआ कंपाउंड इधर लिख दो। ये ऐसा इथीन, समझा क्या? कार्बन था यहां पर, एक ही कार्बन था, ठीक है ना। यहां पर बहुत सारे कार्बन है बट यहां से ज्यादा स्टेबल एल्किन है, यहां पर दो कार्बन है और यहां से लीस्ट स्टेबल एल्किन है, तो लीस्ट स्टेबल एल्किन बना। अच्छा चलो ये करके दिखाओ, इसके ऊपर मैंने OH- का अटैक किया, प्रोडक्ट बताओ। चलो व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट? ये मेजर है, माइनर वाले होंगे ना, ब्यूट वन इन माइनर होगा, ब्यूट टू इन माइनर होगा, वो माइनर में चला जाएगा। इसका मेजर प्रोडक्ट बताओ। कुछ लोगों के सही आंसर आया, जैसे सनद ने सही दिया, आर्यन ने सही दिया है,
और कौन सा तुमने सही दिया था ऊपर, देखो आंसर इज प्रोपीन। ये अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, अल्फा बीटा बीटा, भाई इतने ही बीटा है, बीटा वन, बीटा टू, बीटा थ्री। कहां से प्रोटॉन उठाए पहले आप ये क्यों नहीं करते जैसे मैं कर रहा हूँ, पहले अल्फा बीटा मार्क कर रहे हैं ना अपन, तो पिछले बार भी मैंने ऐसे ही मार्क किया था, देखो यहाँ पर अल्फा बीटा ही मार्क किया था मैंने, ये वैसे ही करो ना आप लोग भी। क्या कर रहा हूँ मैं, बीटा वन, बीटा टू, बीटा थ्री। तो देखो भाई यहाँ पर बीटा वन, इसका प्रोटॉन जाएगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड इधर टूटेगा, ऐसा पूरा इधर चला जाएगा। यहां से जो अल्किन मिलेगा वो कौन सा है, प्रोपीन, प्रोपीन है ना ये। तो अब देखो यहां की बात करते, अगर यहां से प्रोटॉन जाता है बीटा टू जाता तो पेंट वन इन मिलता, किसी ने तो ब्यूट भी लिखा है। अरे भाई इधर एक दो तीन चार पांच कार्बन है ना, तो एटलीस्ट पेंट तो आप यूज करो शब्द जो यूज कर रहे वर्ड। देखो लीस्ट स्टेबल अल्किन तो बनाना ही है, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट कंपल्सरीली फॉर्म्स, ठीक है ना। सो क्या बोल सकता मैं, ऑल और ये बाकी का एसिड इज बचेगा ना, ये ब्यूट क्यों आप इसको नहीं देखे क्या, देखो यहां से वो चला जाएगा क्योंकि यहां पर तीन कार्बन है और तीन कार्बन वाला अल्किन कम स्टेबल होता है। आपको अल्किन स्टेबिलिटी तो आता है क्या, पहली बात रोहन है हो गया, साक्षी हो गया, अल्किन स्टेबिलिटी समझता है आपको कैसे करना होता है। हाँ तो फिर क्यों गलत दे रहे भाई इतना आंसर में, सेम क्वेश्चन बार बार पूछ रहा हूँ, आप तो सही दो। यहाँ पर तीन कार्बन थे वहां से प्रोपीन मिलता है, ठीक है, इथिन नहीं है, तीन कार्बन है, एक दो तीन है, जैसे यहाँ पर ऊपर वाले इसमें ये एक और ये दो, ऐसे दो ही थे, यहाँ पर तीन है, ठीक है। यहाँ से पेंट वन इन बनाना अच्छा नहीं है क्योंकि पेंट इन में थोड़ा ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा। देखो कैसे मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, मैं वो भी प्रोडक्ट निकालता हूँ, वन टू थ्री फोर फाइव। देखो ये वाला एक प्रोडक्ट था और ये एक प्रोडक्ट था, है ना, मतलब अगर मेरा बीटा वन जाता तो ये प्रोडक्ट, बीटा टू जाता तो ये प्रोडक्ट, बीटा थ्री जाता तो ये प्रोडक्ट, माइनर माइनर मेजर। नाउ क्यों मेजर, देखो यहां पर ये जो प्रोपीन है ना, प्रोपीन प्रोपीन में यहां से सिर्फ आपको तीन अल्फा हाइड्रोजन मिलते हैं, हाँ लेस सब्स्टिट्यूटेड, यस प्रोपीन इज अ लेस सब्स्टिट्यूटेड। यहां पर भले दो अल्फा हाइड्रोजन है पर इसका प्लस आई भी तो है, ये पूरे कंपाउंड का प्लस आई आता है इसलिए उसको ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। यहां पर तो इधर से तीन अल्फा हाइड्रोजन और इधर से दो अल्फा हाइड्रोजन, टोटल पांच अल्फा हाइड्रोजन, जैसे जैसे स्टेबिलिटी बढ़ते जाएगा वैसे उसका हॉफमन में परसेंटेज कम होना है, क्योंकि अपन ने क्या लिखा था, बल्कियर इज द लिविंग ग्रुप, मोर विल बी द परसेंटेज ऑफ हॉफमन अल्किन, परसेंटेज ऑफ हॉफमन अल्किन के लिए बल्कि लिविंग ग्रुप चाहिए अपन को, तो हॉफमन अल्किन यहां पर बल्कि लिविंग ग्रुप तो है तो हॉफमन वाले का ज्यादा परसेंटेज है, इसलिए मेजर कौन है, प्रोपीन मेजर बन गया इसमें, प्रोपीन इज अ मेजर बाय प्रोडक्ट एंड दीज टू अदर आर माइनर बाय प्रोडक्ट। यस यस कैसे भी चेक करो, समझ लो बस उतना ही हमारा उद्देश्य है। ओके चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर देता हूं मैं, देखते हैं आप कैसा करते हैं, फिर अपन रुक जाएंगे आज के लेक्चर में। कर लिया, देखो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, नाइट्रोजन को डायरेक्टली जो जुड़ा है वो अल्फा कार्बन से, उसके बाजू वाले कार्बन बीटा, बीटा वन,
बीटा टू। चलो भाई बात करते हैं, कहां से प्रोटॉन उठाया जाए? OH माइनस बीटा वन को उठाएगा कि बीटा टू को? सो दैट देर विल बी लेस स्टेबल अल्किन। बताओ बीटा वन की बीटा टू, हमारा गोल क्या है? लेस स्टेबल अल्किन बनाना है, ठीक है ना। चलो मैं आपको दोनों उठा के दिखाता हूं, दोनों उठा के दिखाता हूं। बीटा वन उठा दिया, ठीक है ना, यहां पर जो ये एच था ना इसको कैप्चर कर लिया, तो क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। उसको कम करने के लिए क्या हो जाएगा? बॉन्ड इधर टूट जाएगा ऐसा, यहां पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और फिर ये दोनों मिलके पाई बॉन्ड। तो कंपाउंड कैसा बना? कंपाउंड कुछ ऐसा दिखेगा। मिथाइल मिथाइल, ये बॉन्ड तो टूट गया ना बीच वाला अभी, और यहां पर आ गया डबल बॉन्ड और ये एल्कीन ऐसी। डू यू एग्री विद दिस? ये प्रोडक्ट आएगा इफ बीटा वन इज कैप्चर्ड, सॉरी बीटा टू इज कैप्चर्ड, तो ये प्रोडक्ट आएगा। डू यू एग्री विद दिस? ये तो समझ रहा है कि बीटा टू कैप्चर करने से ये प्रोडक्ट आएगा। हाँ तो बोलो भाई, बीटा टू कैप्चर करने से ये प्रोडक्ट आएगा क्या? यस, बीटा टू कैप्चर करने से ये प्रोडक्ट आए। बीटा वन कैप्चर करने के बाद क्या होगा देखते हैं। अब देखते हैं कि बीटा वन कैप्चर कर लिया तो क्या होगा। ये उसको उठाया, यहां पर था ना, ये दो हाइड्रोजन थे यहां पर, उसमें से एक को उसने उठा दिया, एक हाइड्रोजन को उसने उठा दिया, तो यहां पर आ गया नेगेटिव चार्ज। इसको बैलेंस करने के लिए ये इधर शिफ्ट हो गया, तो यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, फिर ये बॉन्ड बना दिया इधर, तो यहां पर क्या बन रहा है? ये ऐसा, इसको अपना अपना ये बन गया, मिल गया। सो दिस इज बीटा वन से अल्किन बनना। सो अमंग दिस अल्किन, इन दोनों अल्किन में से पहला वाला अल्किन ज्यादा स्टेबल है कि दूसरा वाला स्टेबल है? स्टेबिलिटी की बात बताओ मुझे, विच अल्किन इज स्टेबल? बीटा टू वाले की अल्किन स्टेबल है कि बीटा वन वाले का? तो आप बता मुझे कि यहां पर मैकेनिज्म तो हॉफमैन एलिमिनेशन होना है ना, तो विच इज मेजर, कौन सा मेजर? मेजर कौन सा बोले? अरे भाई अब समझ रहा है ना, अब समझ रहा है धीरे धीरे, समझा? सबको समझना चाहिए। मेजर, बीटा वन वाला मेजर, तो बीटा वन जाएगा बीटा टू नहीं। हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर? ये हॉफमैन अल्किन है, दिस इज सेटजेप, ये सेटजेप है मोर स्टेबल अल्किन, एंड दिस इज हॉफमैन। अरे दिमाग की बत्ती जल गई, अब तो दिमाग की बत्ती जल गई कि नहीं? पूरा क्लियर हो गया? चलो
चलो भाई, अच्छी बात है।